जितना मर्जी बन सकती है, इतना मौत है कि खुला रहे कम, ना लंबा ना छोटा ना काला ना गोरा, यही कई जो कुछ भी नहीं शायद होनी चाहिए, चाहिए शायद बन सकती। करना पैना फैसला बे शायद की होवे किड़िया शायद होन कि शायद ना प्राचीन और तकलीर है। मैं अरबी लफ्ज बोल रहा वजूद जी का ना बात ने हर शायद इन्हें कवि दुनिया की किसी शायद ना बिल्डिंग की है नक्शा बनाया कि इन्नी लंबी बनानी है इन्नी चौड़ी इन्ने सतून होने इन्ने दरवाजे रखने इन्हू जकड़िया फिर वो तहत बना बनया। अगर ये नहीं जिधर हेठ लगता लगता ना लंबी हो चौड़ी हो ख्याल तो दिमाग से वजूद हो सकता बन नहीं सकती। बात ने हर शायद इन्ने कवि जमीन और आसमान की हर शायद इन्होंने शह आते जे वो एक जापा जगह जकड़ी है कार भी एक जापे जकड़ी है क्या पुरजे एडे ढालो इन ए जोड़ो तद उन्हें चलना मतलब की कोई शह होंगी एबसोल्यूट कोई शह नहीं मुकैयत होनी चाहिए। बात ने हर शायद इन्ने कवि तू अजी कुबत चरा काफिर रवी इस तो मुसलमान हो कि तू अपने आइन तो काफिर जिद ना तू मुसलमान बनना ब्याह शह हो ना हो तद मुसलमान था तेरा भी एक आईन आ जाबता जकड़िया कि मुसलमान चाह गल होंगे वह ना हो सईद अबुल आलम मौजूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे हुण मुसलमान तो बन गया चिड़ियाघर कि ना वह चिड़ियाघर है हालांकि उसे निड़िया चिड़िया नहीं उसे शेर भी है उसे चीते भी है कहीं चिड़ियाघर एदा ही कह रहा मुसलमान जानी बेचा चोर बेचा डाकू बेचा हरामदादे बेचा मुसलमान करन वाली गल है कोई जो चिड़िया करना फिर चिड़िया होनी चाहिए मुसलम जे मुसलम होना चाहिए मुसलम होगा जरा उन्होंने शायद तो पाक हो जिन्हों तो खुदा ने रोकया और वह कम करता हो जिन्हों का अल्लाह तला ने हुक्म दिता मुसलम माना ये असलम अपने आप उन्हें सरेंडर कर अल्लाह के सपुरद करता भी मेरी मर्जी हूँ कोई नहीं रही ना किसी होर की मर्जी रही है जिमें हूँ तू कहेंगा मैं वो करना ना दे तर्जमाए अगर कोई आदमी जरा उन्होंने कसाई आने क्यों ब्राह्मण जरा जानता कसाई और ब्राह्मण जुटी लैके आ जाऊगा मौरी साहब पागल हो ब्राह्मण कसाई हो सकता ब्राह्मण तो जानवर दबा ही नहीं करता उस किसी जानवर को मारना गुनाह समझ आ हिंदू तू आना कसाई है दो बेजोड़ना तो मुस्लिम और रजानी मुस्लिम और शराबी है मुस्लिम और बेनमाज है करने वाली गल इस्लाम भी बर्बादी और तबाही इस तो बनना बात ने हर शायद आई ने कही सोच रहा साफ भी बनी है तद भी सी बह इन्नी चौड़ी रखनी इन्नी लंबी आ रंग होने वो कैदा और शर्त आई ना चाहे तत्त बन तू अभी कुबत चिरा काफिल रवि मुसलमान को अपनी इस ताकत तो काफिल हो गया और जदों तो हथों जाता रहा इकबाल आंदा लब ला ताकत फिर हूँ जरा तू फखर करना भी सारे जानते मेरे झंडे चलते सी बाकी इदा ही जिमें अमरीका के साडे हूँ ना सुन के पिटे काम से इन दुनिया काम दी कितने से हारून रशीद बदल आते उन्हें आखना तू दुनिया के किसी खिते जाके बरसता फिर या वो मेरा इलाका या उस इलाके तो खराज मैं आना टैक्स आना लोग जो मेरे मातहत मेरे तो कम रहे मुसलमान तो सी मगर जो हाल होया मिल तेरा रफ्त आई दे दस मिसले खाका जाए हम शिकस मिलत दसन जो आई न चला गया जोड़ा नक्शा सी वह तबाह हो गया तो फिर सारे हिस्से जड़े बिखड़ गए कोई अट्ट उधर चली गई मर ढह गई फिर बात ने दी हसी है मुस्लिम आई नस तो बस इकबाल पढ़ रहा बात ने दीन है नबी नस मुसलमान जी हस्ती किन्ना चलो मुसलमान है जब तक उस आइन के ताबे है उस नक्शे से चल रहा जरा मुसलमान लिए खुदा रसूल ने तजवीज किया बात ने दीन है नबी नस बरगे गुल सोचू दे आई बस्ता सो फुल दिया पत्तियां जिसे कैदे ना चकरिया वह ना गुलदस्ता हो गया गुलजाई बस्ता शो गुलदस्ता गुलदस्ता तदे कहीं बे आ फुल इस रंग आया इतना जोड़ो इन जे जिदा मर्जी जुड़ते फिर गुलदस्ता कहता बनना फिर आईन खत्म हो जाए तबाही हो जानी बर्बाद तू हमी दानी के आई ने तू चीज रेरे गर्दू सिरे तमकी ने विचो पढ़ दे कैप्टरी है दरमान आई कि निजाम है मिलत रैरत आईन सूरत ना बंदत व आई ने मिलत है मुहम्मद या कुरान जिन्हें पौंक देना इकबाल शराब पीता कहते सारे हरामी जानते कि मुसलमानों ने अगर मरदा हरान जिंदा किया उस बंद किया वो शायर नहीं उन्हें आप अपने कलाम से आख्या कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम मुनाजात है कि मेरे कलाम कुरान तो इलावा खर भी निकलिया तो क्यामत दे दिन अपने कदमों के बोसे देने तो मैं इनकार कर दी मैनू ना बोसा दें कुरान दसता रहा मगर जालमा ने बदनाम करता तो नहीं जी वह पढ़ो ना ताकि मुसलमान दीन ना ला जाए उन्होंने ही रखा तो याद रख मिलत का इंतजाम कानून के बगैर नहीं हो सकता
और मिलत मुहम्मदिया का आइन कुरान पाक है। ये जरा कुरान पढ़, कुरान से फिर हर व्यक्ति को देख ब्याह जमात कुरान से है, ए बंदा कुरान से, ए आलम कुरान से। अगर हटिया नजर आता तो फिर बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरह क्या गैर शरा दे मार जुतियां, चाहे उड़दा क्यों ना जावे, भावें हवा च उड़दा हो, कोई जादूगर हो सकता, दज्जाल हो सकता, दज्जाल ने थोड़ी तक रब नहीं देनी है, वली नहीं हो सकता, कुरान है खुदा तक पहुँचाने वाला वसीला। तो फरमान दे तू हमी दानी क्या आईन है तुकी, तेन पता मुसलमान कि तेरा आईन कि जेड़े गर्द न सिर चमकीन है तुकी, इस आसमान थले तेरे रोब बस राज की दुनिया क्यों तेरे तो कमली सी, जिद मुसलमान रोक कर जहान अगों हाथ जोड़ता सा टैक्स लै लो सानू अपनी रैयत बना लो। हाँ किताब है जिंदा कुरान है हकीम हिकम से उलाजारे पढ़ रहा रो रहा आंदा वो जिंदा किताब सी कुरान जिन्हें क्यामत तक बासी नहीं होना, हिकमत की परी वह आईन सी तेरा हिकम से उलाजारो कदीम हिकमत जी हमेशा रहनी है और वह कदीम है, वह कानून कि मिटने असूल पक्के तू छ गया हिफजाने सेहत के असूल ठीक है नहीं कोई राज ठीक अपना ख्याल रखता बीमारी होना बद भरे दी ना सा अपना नुकसान तिब दिन किताबा गलत हो जाए डॉक्टर झूठे हो जाने तू बीमार होकर मरता फिरेंगे नहीं परहेज किया कुरान से अगर अमल नहीं किया बर्बाद हो जाओगे। उत्थे आखिर से फिर नौ इंसान रा प्या में आखिरी हाँ मिले वो रहमत अल्लाह अल्लाह अकबर आंधे इंसाना वास्ते रब का आखिरी कराम जे तो रब ने बाजा क्या हूँ जबरील की करना हूँ रोज की नबी भेजने हाँ मिले वो रहमत अल्लामीन और लिया वाला जिन्होंने रहमत अल्लामीन कहता जहाना वास्ते रहमत और बिल्कुल आखिर से जाके फिर क्या अज तिलावत बरत हकदार किताब तू अजो कामे किमी खाही बयाद चौथीवा शेर है इस नजम का कि तेरे ते कुरान हक रखता है यदा हक बनता तेरे जिम्मे तू मार के बैठा हो तिलावत कर अज तिलावत बरत हकदार किताब ये किताब हक रखती है चंगे परे बंद मैं गिरा होर शाह पढ़ देने कुरान वाल नहीं जौक ही नहीं पैदा होगा कि चिले छिले चलो पहला कुरान वाला आ जाओ इनू पढ़ो बाकी शायद सारिया जी बरकत आ जाए अज तिलावत बरत हकदार किताब तू अजो कामे किन्नी खाही बिया किताब हक रख दी है कि तू तिलावत करे दी फिर जो तू ख्वाहिश रखदा ना जो तेरी आरजू है जो तेरा शौक है ब्याह मिलना चाहिए तू अजो कामे किन्नी खाही बयाब जो तू ख्वाहिश रखदा मिल जाऊगी लभ जाऊगा खजाने एक ऐसी कान है जिन्होंने ज्यों ज्यों खोदेंगा मोती निकल जाए ला तनख दी अदायबू आलमां दी उम्र लंघ गई हजारां तफसीरां दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानां चा हर आने वाला नवे नुकते करदा मुकने नहीं ला तनख दी अदायबू इहदे अजायब खत्म हो सकदे अल्लाह दा अपना सिरा बनना कोई नहीं उहदी कोई हद नहीं बिल्कुल गैर महदूद दे कलाम दी कोई हद कलाम ही बरकतां भरिया क़यामत तक चला सईदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नो हजरत सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी ने फरमा दे एक ही हदीस सुना दें किड़ी प्यारी है फरमाया अल कुरान साफ है मुसफा याद रखे कुरान तेन किताब नजर आऊंगा ये किताब नहीं ये पर्दे च ये खुदा दे दरबार सिफारशी होके खड़ा होना सफा चीरनी है दुनिया खड़ी होनी ते नूरानी चेहरा ते खुशबुआ सफा चीरता जाता शहीदा आख्या सारे चो लंघ गया नबिया आख्या लंघ गया अल्लाह तआला दी बारगाह पेश हो गया मैं तेरी किताब हाँ तेरा कुरान है इन्हों की सिफारिश करने वास्ते इन्होंने अमल किया मैंने पढ़िया हजूर फरमाते शाफ मुशफा यो सिफारिश करने वाला जी सिफारिश रद्द नहीं होनी ये चल रहा अपना कलाम यही सिफारिश होने क्यों रद्द कर मन लेना कि हाँ तू कहना इन्होंने मैंने पढ़िया चले थे फिर क्यों ना बख्शा व माहिलुम मुसद्दक और ये वकील है जिन्हें इस तरह वकालत करनी है इस तरह तेरा दिफा करना कि बिल्कुल अल्लाह ने इन सच्चा करार देना कि तेरी वकालत ठीक है तेरे केस में असं रद्द नहीं कर सकते मन जा लो अमाम ए सरकार दो आलम सरसम पर कुर्बान जाइए तो वहाँ सहाबा से जाइए फरमाया जिसने इसको आपने आगे किया इन अगे रख लिया तो पीछे पीछे टुरया रहा